मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए 21 जून से महाअभियान शुरू हो रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी घर घर जाकर पीले चावल देकर न्योता देंगे। अभियान का पहला चरण 30 जून तक चलेगा। 21 जून को प्रदेश में 6,700 सेंटर में टीकाकरण होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को वर्चुअल बैठक की। इसमें सभी मंत्री और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, योग दिवस पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान 18 से 44 साल आयु के ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा। अभियान को गंभीरता से चलाने की जिम्मेदारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रहेगी। मध्य प्रदेश में भी एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट सीबीएसई की तर्ज पर बन सकता है। हालांकि एमपी में अभी 40-60% का प्रस्ताव बनाया गया है। रिजल्ट से संबंधित निर्णय लेने के लिए नई बनाई गई मंत्री समूह की बैठक नहीं हो सकी। सूत्रों की माने तो अब तक फार्मूला नहीं होने के कारण बैठक नहीं हो सकी। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि शासन सीबीएसई के अगले कदम का इंतजार कर रही थी। बताया जा रहा है कि सीबीएसई के फार्मूला को ही आदर्श मानकर उसके अनुसार ही एमपी बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट तैयार करने पर विचार किया गया है। संभावना है कि इसमें कुछ बदलाव के साथ रिजल्ट बनाया जा सकता है। इंदौर के एमजी रोड क्षेत्र में गुरुवार दोपहर दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक आनंद ज्वेलर्स के पीछे साइट में बन रही एक निर्माणधीन मल्टी में काम कर रहा था। मल्टी की एक दीवार अचानक से भरभरा कर नीचे आ गई। युवक बचने के लिए भागा, लेकिन उसका पैर मुड़ गया और वह दीवार के नीचे आ गया। दीवार के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस के साथ मंत्री तुलसी सिलावट भी मौके पर पहुंचे और गरीब परिवार को 1,00,000 रुपए की सहायता भी करी। इंदौर में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। राधा स्वामी सत्संग परिसर में तैयार अस्थायी कोविड अस्पताल को दिसंबर तक बनाए रखा जाएगा। अब यहाँ भी कुछ मरीज ही भर्ती है और अभी तक जितने मरीज यहाँ भर्ती हुए उनमें से 94% से ज्यादा स्वस्थ होकर घर लौट गए। सिर्फ 141 मरीजों को ही सेंटर से अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा था। फिलहाल यह सेंटर कायम रहेगा क्योंकि तीसरी लहर का भी अंदेशा कोरोना विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है। 12 जून तक ही लगभग 3200 मरीजों को यहां भर्ती किया गया और खुशनुमा माहौल में 94% से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी होकर घर लौट गए। पिछले एक महीने से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने राजनीतिक बयान दिया है। ग्वालियर में उनसे पूछा गया कि शिवराज सिंह चौहान 2023 तक मुख्यमंत्री रहेंगे क्या। इस पर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान आज तो हमारे नेता है, वे अच्छा काम कर रहे हैं। 2023-2024 तक वह रहेंगे या नहीं, यह काल्पनिक प्रश्न है। आगे उन्होंने कहा कि मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ जो आगे की बता दूँ। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि वे रहे, इस पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो पार्टी चाहती है वही मैं चाहता हूँ।